जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ यश पर। आज की डेट मार्च 20, जितने भी आपके करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारे आज पॉइंट आपके इस टॉपिक में शामिल हैं। और डेज़ आपके कंटिन्यू 2, 1, 5। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया? ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है 2022, ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर, 20 मार्च। और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2013 में आरंभ किया गया था। इस बार जो थीम थी, जो विषय था, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट है, हाल ही में यूजीन पार्कर का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये आपके जो यूजीन पार्कर हैं ये एक खगोल वैज्ञानिक थे और अमेरिका देश से बिलोंग करते थे। 2018 में नासा द्वारा पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन था, इन्होंने इस लॉन्च को देखा था। और याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर, ये जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला ऐसा मिशन था जो इनके नाम पर किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर। और आयोजन कब से कब होगा? 20 से 22 मार्च 2022 के मध्य। विषय क्या है? भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। और इस बार खासियत क्या है? तो इस बार इस आपके आयोजन में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी पार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत का आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? जो आपका भारत का आयुध निर्माण दिवस है ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री जो कोलकाता के कोसीपोर में है 1802 में बनी थी, 1802 में कार्य करना आरंभ कर दिया गया था। और जो OFB है इंडिया का, वो दुनिया का 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है, जबकि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है और भारत में सबसे बड़ा है। जो OFB मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में। और इसके तहत 41 आयुध कारखाने, 9 प्रशिक्षण संस्थान और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक पूरे भारत में शामिल हैं। नेक्स्ट है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बनाए गए हैं? जो आपकी संस्था है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, इसके नए CEO जो बनाए गए हैं उनका नाम है प्रशांत झावेरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, SBI निम्न में से कहाँ पर इनोवेशन इनक्यूबेशन एक्सप्लेनेशन सेंटर स्थापित करेगा? SBI अपना एक सेंटर स्थापित कर रहा है और किस जगह स्थापित कर रहा है? हैदराबाद, हैदराबाद राज्य, तेलंगाना। और अगर बात करी जाए SBI की, तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं SBI संस्था के, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये जो आपका एक एग्रीमेंट है सीसा, इसमें हाल ही में यूक्रेन देश शामिल हुआ है। ये एक विद्युत जाल है, विद्युत ग्रिड है, जो लगभग पूरे यूरोप में फैला हुआ है और यूक्रेन को इसमें शामिल किया गया है, जिससे जो यूक्रेन है वो रूस पर जो डिपेंड है आपका विद्युत ग्रिड के लिए, उससे जुड़ा हुआ है, उससे वो अलग हो जाएगा। अगर सीसा की बात करें तो फुल नेम क्या है? कंटिनेंटल यूरोप सिनकोनस एरिया। और बताया गया आपको विद्युत ग्रिड है जो महाद्वीप के अधिकांश भागों में फैला हुआ है, पूरा यूरोप महाद्वीप लगभग इससे कवर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट SPA को पारित करके डे लाइट शेविंग टाइम DST को स्थाई किसने बना दिया है? ये जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है, सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट SPA, ये अमेरिका में स्टार्ट किया गया है, वहाँ की संसद ने, सीनेट ने इसको पारित कर दिया है। जो आपका इसके तहत होता क्या है, आपके एक प्रथा है वहाँ पर कि सर्दियों में आगमन और प्रस्थान के साथ घड़ियों को आगे और पीछे करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। एक घंटा आगे और एक घंटा पीछे करना पड़ता था सर्दियों के स्टार्टिंग और ख़त्म होने पर, उसको अब समाप्त कर दिया है जो वहाँ की संसद है, सीनेट की सर्वसम्मति से DST को स्थायी बनाने वाला कानून पारित कर दिया गया है। अब कभी भी आगे चलकर सर्दियों में घड़ी को पीछे नहीं करना पड़ेगा और सर्दियों के बाद जो है घड़ी को आगे नहीं करना पड़ेगा। टाइम जैसा है वो एक जैसा ही रहेगा अमेरिका में, और किस एक्ट के तहत, सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट SPA एक्ट। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली बार एक दिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में हराया है? अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित हो रहे एक दिवसीय मैचों में हराया है, और ऐसा उसने पहली बार किया है, तो याद रखिएगा टीम का नाम बांग्लादेश। नेक्स्ट है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये जो आपकी बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसकी जो राइटर आपकी वो गीता पीरामल, करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 215, आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 है उसके अनुसार प्रथम स्थान पर कौन व्यक्ति हैं? अभी जो हाल ही में डाटा आया है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022, इसके अनुसार प्रथम रैंक पर पूरे विश्व में कौन इंसान है, उनका नाम आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।